गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ कंपिल, कंपिल रोड। और कंपिल पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई बटन में आपको मिल जाएगी। और आज हम लोग चल रहे हैं फरुखाबाद। फरुखाबाद में रामनगरिया मेला लगा है, पांचाल घाट। पहले वो घटिया घाट था, बट नाम चेंज उसका हो गया है, अब पांचाल घाट के नाम से जाना जाता है। तो अभी सुबह सुबह 6 बज रहे हैं और कोई भी नहीं है, ना तो प्लेटफॉर्म पर है कोई, ना मेरे इधर पीछे है। तो अभी चलते हैं सीधे, टिकट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने टिकट ले ली है और कंपिल रोड, अब ये स्टेशन काफ़ी अच्छा बन गया है। और बचपन से तो मैंने थोड़ा ऐसा देखा था, तो अभी ये अच्छा बन गया है। उधर बिजली वगैरह है, मॉडिफाई हो गया है। तो अभी लाइटिंग कम है, तो सीधे फरुखाबाद में ही मिलते हैं, फरुखाबाद से ही वीडियो चालू करेंगे। टिकट हमने ले ली है 30 रुपये की। और चाचा पूछ रहे थे कि गंगा नहाने जा रहे हो क्या, मैंने कहा हाँ ठीक है, तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अभी पांचाल घाट, और रामनगरिया मेला के दर्शन हो गए हैं। देखो दोनों साइड मेला लगा हुआ है, और इस साइड तो पूरा ही की पूरा एक गांव सा दिख रहा है। और जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक टेंट लगे हुए हैं, जिसमें एक महीने से श्रद्धालु रह रहे हैं। तो आपको देख रहा होगा कि कितना ही प्रसिद्ध है ये मेला। तो आइए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको रोड के दूसरी साइड लेकर चलता हूं, और रोड हमेशा सावधानी से पार करें। और दूसरी साइड भी मैं दिखाऊंगा कि कितना ही भारी भीड़ है मेले में, और पूरा ही पूरा मतलब कवर्ड है। जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक आपको टेंट ही टेंट दिखेंगे। और हल्की हल्की सर्दी है इस टाइम, और आज लास्ट डे है मेले का। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक दें और शेयर करें, क्योंकि ये मेला हर साल लगता है, तो आप नेक्स्ट ईयर भी आ सकते हो इस मेले में। और एक महीना ये चलता है मेला, पूरा फरुखाबाद में पांचाल घाट के नाम से है। अब आइए हम लोग अंदर चलते हैं मेले में, और मेले में दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको। उसके बाद हम लोग पूजा अर्चना करेंगे, और गंगा स्नान करने के बाद आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं, आपको पूरी मतलब जो भी गांव से लोग आते हैं वो यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं, अपनी जो भी आपको डेली नीड्स की चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी। और बहुत ही स्पेशल आइटम्स मिलेंगे यहाँ पर, जो आपको रेगुलर मार्केट में नहीं उपलब्ध होते हैं। सारे चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, बच्चों के खिलौने, होम आइटम्स और सजावट के सामान, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जैसे ही हम लोग मेले में एंटर किए, हमने लेफ्ट हैंड साइड पर टर्न लिया है, तो इधर एंटरटेनमेंट जोन है। तो एंटरटेनमेंट जोन में चलते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जोन में, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो आइए देख सकते हैं, ये पुल है जिससे हम नीचे उतर के आए हैं। मेरे दोनों साइड्स शॉप्स हैं पूरी, और ये सॉफ्टी बना रहे हो क्या? तो सॉफ्टी को ज़रा चेक करेंगे, भैया से पूछते हैं कितने रुपए की दे रहे हैं, और ये कौन है या कब तक मिल जाएगी। तो भैया से मैंने पूछा है, 15 रुपीज़ इसका प्राइस है,
और बनवाते हैं और फिर खा के तब आगे चलते हैं। सॉफ्टी बन गई है और सॉफ्टी खा ली है। मम्मी बहुत मारेंगे घर पे जाके। 315 रुपीज़ की है और फरकाबाद में आए हो तो ये लगती है हर मेले में। सॉफ्टी को एंजॉय करो, पता नहीं अभी तुरंत बना के दी, अच्छी है टेस्ट। चलते दूसरी साइड, वहाँ पे दिखाएंगे एंटरटेनमेंट का है पूरा, वहीं पर चलते हैं। ये सुपर सॉफ्टी अभी कोई भी चीज़ खा भी सकते हो आप। फरकाबाद में आए हो तो अगर पपड़िया नहीं खाई और सॉफ्टी वगैरह खाई तो फिर मज़ा ही आ जाता है। काफ़ी सारी सस्ती चीज़ें हैं, ले सकते हो आप वहाँ से। और भैया गए हैं पैसे चेंज कराने, तो पैसे चेंज करा के लाएंगे तब चलते हैं हमारे पास। तब तक खाते हैं चलेगा। ये बहुत फेमस है, एंटरटेनमेंट जोन तो भी बंद है क्योंकि सुबह का टाइम है और अभी बच गए हैं 10:15 और मैं वापस चलता हूँ। मेरी ट्रेन है 11:30 की, तो एक कैंडी ले ली है और एक चॉपर ले लिया है, तो मेरे को ज़रूरत थी इसकी। तो अभी वापस चलते हैं बाहर निकलकर। और इधर गंगा जी हैं, इधर मार्केट थी, वहीं हमने घूम ली, पूजा मैंने सुबह ही कर ली थी। तो अभी वापस चलते हैं और मिलते हैं फरकाबाद स्टेशन पे, वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ के सीधे घर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, गंगा मैया की जय। चलो।